हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। मैं हूँ हमज़ा और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि आप जब भी अपने यूट्यूब चैनल से किसी वीडियो को डिलीट करते हैं तो उस वीडियो का वॉच टाइम आवर और आपने जो है उस वीडियो से जितना भी अर्न किया होता है, जितना भी आपने उस वीडियो से कमाया होता है, वो आपको वापस रिटर्न यूट्यूब की तरफ से मिलेगा या नहीं मिलेगा। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको पसंद आ जाए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो आप पूरा देखिए ताकि आपको समझ आए कि आप जब भी अपने यूट्यूब चैनल से किसी वीडियो को डिलीट करते हैं तो उसका वॉच टाइम आवर आपको वापस मिलता है या नहीं मिलता और आपने जितनी भी उसे अर्निंग की होती है वो आपको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जब भी आप YouTube चैनल से जो है किसी भी वीडियो को जब आप डिलीट करते हैं तो उसका वॉच टाइम भी उसके साथ जो है YouTube की तरफ से ख़त्म कर दिया जाता है। जैसा कि आपने कोई YouTube पर वीडियो अपलोड की, उसने जो है काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए और जो है काफ़ी ज़्यादा वॉच टाइम भी गेन किया। ठीक है, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपके चैनल पर जो है टोटल वॉच टाइम जो है 40 लाख 40 लाख के करीब जो है आपके चैनल पर जो है वॉच टाइम है। ठीक है, और वो जो वीडियो जिसको आपने डिलीट कर दिया उसने जो है तकरीबन 10 लाख के करीब जो है वॉच टाइम जो है गेन किया है। जब आप उस वीडियो को अपने चैनल से डिलीट कर देंगे तो उस वीडियो के साथ ही उसका जो था 10 लाख के करीब वॉच टाइम आवर वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपके चैनल से जो है वॉच टाइम 10 लाख के करीब जो है हटा दिया जाएगा। अब बाकी जो है आपके चैनल पर रह जाएगा 30 लाख के करीब वॉच टाइम। और अब हम आते हैं कि आपकी उस वीडियो ने, जैसा कि आपका चैनल मोनिटाइज है, अब उस वीडियो ने जितना भी आपकी यूट्यूब चैनल पर जो है अर्निंग की है वो अर्निंग आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हम आते हैं इस तरफ कि यूट्यूब जो है आपको व्यूज़ और वॉच टाइम आवर की अर्निंग कभी भी नहीं देता। यूट्यूब जो है आपकी वीडियो पर, आपका चैनल मोनिटाइज है, इश्तिहार आते हैं, एड्स आते हैं, तो आपको जो है इश्तिहारों के यूट्यूब की तरफ से पैसे दिए जाते हैं। अब जितने भी आपकी उस वीडियो पर व्यूज़ आए होंगे, आपकी जो है वीडियो पर जितने भी इश्तिहार एड्स चले होंगे, तो उन एड्स का जो है आपकी जितनी भी अर्निंग होगी वो यूट्यूब की तरफ से आपको दी जाएगी। क्योंकि ये जो है इश्तिहार जो है एडवर्टाइज़र की तरफ से दिए जाते हैं और आपका यूट्यूब चैनल अगर मोनिटाइज है तो आपके वीडियो पर इश्तिहार चलेंगे और जो है जिसके जो है आपको पैसे दिए जाएंगे। आपसे जो है किसी किस्म की कटौती नहीं की जाएगी बेशक आपने वीडियो डिलीट कर दियो। तो आते हैं हम इस तरफ के वीडियो क्यों डिलीट की जाती है। वीडियो इसलिए बार दफ़ा डिलीट की जाती है कि वीडियो में कुछ ऐसा बार दफ़ा कॉपीराइट कंटेंट यूज़ कर लिया जाता है जिसे जो है कॉपीराइट स्ट्राइक आने का ख़तरा होता है, या तो फिर कोई ऐसी पिक्चर वगैरह यूज़ कर ली जाती है जो कि कॉपीराइट होती है जिसे जो है चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आने का इस तरह मसला हो जाता है। इस वजह से जो है वीडियो को जो है यूट्यूब से डिलीट कर दिया जाता है। अब जो है आप वीडियो को आप चाहते हैं कि आप डिलीट भी ना करें और आपके चैनल पर वॉच टाइम आवर भी रहे और आपके जो है चैनल से बिल्कुल भी जो है वॉच टाइम आवर कम ना हो, तो इसके लिए जो है आप वीडियो को अनलिस्टेड कर सकते हैं और जो है आप वीडियो को प्राइवेट भी कर सकते हैं। क्योंकि आपकी देखें वीडियो ने जो है इतने ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए और 10 लाख के करीब जो है वॉच टाइम आवर आपकी वीडियो ने गेन कर लिया, आप जब उसको डिलीट करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा होगा कि मेरी इस वीडियो ने अच्छा खासा जो है वॉच टाइम आवर गेन किया और व्यूज़ भी अच्छे खाते थे और इस वीडियो को जो है डिलीट कर दिया गया। तो इस वजह से अब आते हैं कि आपके चैनल पर जो है चैनल आपके ग्रो कर रहा है तो आपके चैनल पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जैसा कि आपके चैनल पर जो है 40-45 के करीब वीडियोज़ हैं तो एक वीडियो ने जो है इतना ज़्यादा वॉच टाइम आवर गेन कर लिया तकरीबन 10 लाख के करीब और व्यूज़ जो हैं तकरीबन अच्छे खासे इसने गेन कर लिया। अब आपने इस वीडियो को डिलीट कर दिया तो आपके चैनल की जो है ग्रोथ, उस पर व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर जब आप कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सब्सक्राइबर जो है आपकी न्यू अपलोड की हुई वीडियो को देखेंगे या नहीं देखेंगे। आप जब भी डिलीट करने के बाद किसी वायरल वीडियो को, किसी ऐसी वीडियो को जिसने जो है काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए हों और काफ़ी ज़्यादा वॉच टाइम गेन किया हो, उस वीडियो को जब आप डिलीट कर देंगे तो उसके बाद जब आप अपने चैनल पर जो है कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सब्सक्राइबर जो हैं आपके वही रहेंगे और व्यूज़ जो हैं जिस तरह आपकी वीडियो पर आ रहे हैं उसी तरह आते रहेंगे। इस पर जो है कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि मेरी इस वीडियो ने काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए थे और वॉच टाइम आवर काफ़ी ज़्यादा गेन किया था और मैंने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। तो इसके लिए जो है आप वीडियो को प्राइवेट भी कर सकते हैं और अनलिस्टेड भी कर सकते हैं जिससे जो है आपकी वीडियो आपके चैनल पर ही रहेगी और जो है आपका जो है वॉच टाइम आवर भी अच्छा खासा वीडियो ने गेन किया हुआ होगा।
तो चैनल की ग्रोथ पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो है आप कभी भी इस तरह की वीडियो बनाएं तो आप जो है अपना कंटेंट यूज़ करें, आपका ओरिजिनल कंटेंट हो, आपने वीडियो में जो कुछ भी यानी कि वीडियो किसी भी किस्म के आप जो है अपलोड कर रहे हैं तो वो सारा जो है कंटेंट आपका अपना होना चाहिए। कोई इमेज भी ऐसी यूज़ ना कीजिए जो कि कॉपीराइट हो, जिसे जो है आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आने का जो है ख़तरा हो। तो वीडियो को जो है आप डिलीट नहीं करेंगे तो आप जो है प्राइवेट उसको कर सकते हैं और अनलिस्टेड भी कर सकते हैं। और जो है जितनी भी अर्निंग है, जितने भी आपके जो है वीडियो पर व्यूज़ आए होंगे, उस हिसाब से जो है आपकी वीडियो पर एड्स भी शो हो होंगे, स्टार भी चले होंगे, तो वो सारी की सारी अर्निंग जो है आपको यूट्यूब की तरफ से दी जाएगी। और यूट्यूब को जो है ये अर्निंग एडसेंस की तरफ से दी जाती है। और आपके एडसेंस अकाउंट में जो है 11 से 15 तारीख तक जो है ये जितनी भी आपकी इस वीडियो ने अर्निंग की होगी वो 11 से 15 तक जो है आपके एडसेंस अकाउंट में अपडेट कर दी जाएगी। और अगर आप इस जो है अर्निंग को अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में ये अर्निंग हर महीने की तकरीबन 28, 27, 28 तारीख तक जो है दे दी जाती है। तो डिलीट वीडियो को जो है वॉच टाइम आवर जो है आपके चैनल से बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाएगा और उसकी जो अर्निंग होगी वो आपको दी जाएगी। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।